वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? अगर जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर तुम सब उन बच्चों में से हो जिनके बुक्स अभी तक नहीं मिली हैं, एडमिशन हो गया, कंफर्मेशन अभी आ गई, बट अभी तक अगर आपकी बुक्स नहीं मिली हैं, और जिन बच्चों को दिसंबर में दिसंबर एग्ज़ाम्स के लिए सेप्टेम्बर में और अक्टूबर में जो असाइनमेंट सबमिट करने हैं, तो उसकी भी टेंशन हो रही होगी तुम सबको, क्योंकि अगर जब तक बुक्स नहीं मिली हैं तो असाइनमेंट भी कैसे बनेंगे, ठीक है ना? तो इसी टॉपिक पर आज वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, बना रही हूँ। तो जो आज का टॉपिक रहेगा वो ये होगा कि विदाउट बुक्स कोई बात नहीं, अगर बुक्स नहीं पहुँची हैं तो उसके अलावा भी अब तुम अपने असाइनमेंट्स के आंसर कैसे ढूंढ सकते हो, ठीक है, वो भी फ्री में। तो इस वीडियो में यही बात करेंगे कि कुछ ऐसी वेबसाइट बताने वाली हूँ मैं जहाँ से तुम अपने असाइनमेंट के क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, नो कॉस्ट, ओके? तो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो इग्नू क्या बोलता है पहले वो देख लेते हैं कि इग्नू असाइनमेंट्स अगर जब आप लिखने वाले हो तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं। तो इसमें ये गाइडलाइन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, तो ये आप देख सकते हो, उसमें वेबसाइट पे जाके चेक भी कर लेना कि इट्स इम्पोर्टेंट टू राइट द आंसर्स टू ऑल द TMA क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। यू शुड योर द आंसर शुड बी अकॉर्डिंग टू द वर्ड लिमिट सेट फॉर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? तो ये आप पढ़ लेना पूरा जो भी इसमें लिखा हुआ है। ये गाइडलाइंस हैं कि किस तरह से आपने असाइनमेंट बनाने हैं। तो इस गाइडलाइन में क्या बताया गया है उसके लिए मैं वीडियो टैग कर दूंगी यहीं पे स्क्रीन पे, देख लेना, ठीक है? अच्छा, ये तो एक तरीका हो गया कि जो असाइनमेंट आप बना सकते हो वो बना सकते हो, आप जो इग्नू ने आपको बुक्स प्रोवाइड करवाई हैं उनको, उनमें से आप बना सकते हो, उनमें से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है? लेकिन मान लो आपको बुक्स ही नहीं मिली हैं, तब उस केस में आप क्या करोगे? तो उसके लिए एक तो देखो, सबसे पहला तो हो गया कि इग्नू की जो अपनी बुक्स हैं, जो मटीरियल है, उससे आप अपना असाइनमेंट बना सकते हो। दूसरा जो जो सॉल्यूशन होने वाला है या सब्स्टिट्यूट होने वाला है वो है, अच्छा एक चीज़ का ध्यान रखना कि सबसे पहले इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जो आपको किताब में से ही आंसर्स को ढूंढना है जो आपको बुक्स दी गई हैं, और सबसे बेस्ट तरीका है वो आपके लिए ये कि अपने बुक्स को अच्छे से पढ़ना और एग्ज़ाम की तैयारी भी आपको अच्छे से हो जाएगी, ठीक है? तो बुक्स का तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि क्या क्या फ्री तरीके हैं या कौन कौन सी फ्री वेबसाइट है जो जहाँ से आप ले सकते हो। तो एक ये भी तरीका है जहाँ से आप असाइनमेंट का आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा जो फ्री तरीका है जहाँ से आप असाइनमेंट का आंसर ले सकते हो, तो वो हमारा फ्री में आपको जो भी असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे, मतलब आंसर जो मिल सकता है, तो वो हम देख लेंगे इसको। तो जो नेक्स्ट तरीका होने वाला है वो होगा गूगल सर्च करके। तो जैसे आप गूगल सर्च करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अभी जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन पेपर है, आप लोग भी देख रहे हो, EHI 1 का, ठीक है? तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देख रहे हो, डिस्कस द राइज ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस एंड इन 19th century इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ द इंडियन रेट इन प्रमोटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन आफ्टर 1947, ठीक है? ये पूरा असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है, ऐसा ही आपने डाउनलोड करना है, ठीक है? तो अब जैसे मान लो हमें इसमें से किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है, मान लीजिए हम ये वाला ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, हमें इसका आंसर चाहिए, राइट अ नोट ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इसका जो एक इजी तरीका है वो सबसे पहले है, हम लोग जाएंगे गूगल पर, ठीक है? गूगल सर्च कर लेंगे। तो गूगल सर्च करके आप कैसे इसका आंसर ले सकते हो वो मैं बता देती हूँ। अब जैसे मैंने ये यहाँ पर ये लिख दिया है गूगल सर्च करने के लिए, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो जैसे आप लोग नीचे आओगे ना तो ये पूरा का पूरा आपको आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है? कि 1857 का मुख्य विद्रोह क्या था, इस पर आप टिक करोगे तो ये पूरा आपको, जैसे ये वेबसाइट हो गई एक, यहाँ पे आपको पूरा नहीं आंसर मिल जाएगा, ठीक है? जैसे नीचे जाओगे देखते हुए, तो यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स हैं, जैसे हम इसको खोल लेते हैं तो ये आप जब देखोगे ना तो ये पूरा का पूरा एक आपको आंसर मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है? तो आप इसको चेक कर सकते हो एक तो। दूसरा है हाँ, ये आ गया, यहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हो इसी क्वेश्चन के लिए, जो ये क्वेश्चन लिखा ना इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक दूसरा तरीका ये हो गया। तीसरा तरीका हो जाता है चैट GPT, आजकल बहुत फेमस हो रहा है ये,
बहुत ट्रेंडिंग में भी है। तो चैट जीपीटी को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, चैट जीपीटी के लिए आपको इसको ओपन करना होगा, ठीक है, लॉगिन कर लेना है इसमें। लॉगिन कर लेने के बाद जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो मैसेज चैट जीपीटी, यहाँ पे आपने लिखना है रिवॉल्ट ऑफ, ठीक है, रिवॉल्ट ऑफ 1857, ये लिख के आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा आंसर सामने आ जाएगा। ये देखो, ये देख रहे हैं क्या क्या, कौन कौन से रीज़न थे, किन कारणों से 1857 जो हुआ था। तो इसमें देखो पॉलिटिकल कॉजेज़ बताए हुए हैं इसने, ठीक है, दूसरा है इकोनॉमिक कॉजेज़, सोशल एंड रिलीजियस। तो ये आप इस तरह से इसका पूरा जो भी आप यहाँ पे लिखोगे ना, आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो बुक्स नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं, अगर लेट हो रही हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इस तरह से आंसर्स लेके आप अपना जो असाइनमेंट है वो बना के सबमिट कर सकते हो टाइमली, ठीक है। अच्छा, तीसरा क्या है, एक और देख लेते हैं। चलो, जो फोर्थ ऑप्शन होगा हमारे पास वो होगा कि जैसे आप गूगल सर्च करोगे कि 1857 रेवोल्यूशन, 1857 की क्रांति, तो इसमें जब आप नीचे आओगे ना तो यहाँ पर आपको बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी इन जो जो भी आप क्वेश्चन का आंसर चाहते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट विकिपीडिया हो गया जैसे, ठीक है, दृष्टि आईएएस हो गया, इस तरह की वेबसाइट्स आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे जैसे मैंने इस पर अभी जैसे लिखा है, तो विकिपीडिया पे अगर हम जाएंगे, इसको क्लिक करोगे, तो ये जो है पूरा ही इसने जो ये आपके सामने आंसर लिख के दे दिया है, इसमें देखो बहुत अच्छे से बना के दे दिया है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स हैं और जहाँ से आप फ्री में कोई भी आंसर ले सकते हो, कोई इसका चार्जेस नहीं है। हाँ, कुछ होती हैं जो चार्जेस करती हैं डाउनलोड करने के लिए या पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो अगर आपको फ्री में चाहिए तो ये कुछ ऑप्शंस थे जो मैं बताना चाह रही थी आपको। मुझे लगा कि क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जिनकी बच्चों की बुक्स नहीं आई हैं या बच्चों की जो बुक्स हैं वो लेट हो रही हैं, अभी तक उनका स्टडी मटेरियल भी नहीं पहुँचा है, क्लासेस भी स्टार्ट हो गई हैं और उनको सेप्टेम्बर में असाइनमेंट देने, तो कैसे करेंगे। तो मुझे लगा कि थोड़ी सी इस इन तरीक़ों से हो सकता है आपकी कुछ हेल्प हो जाए। तो बस इस वीडियो में यही बताना था, बाकी आप अपनी अब तैयारी करो। अगर बुक्स नहीं आई हैं तो कोई बात नहीं, इसमें आप किसी भी लैंग्वेज में जो मैंने तरीके बताए हैं, आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, अपने आंसर्स ले सकते हो, ठीक है। चलो, अब अच्छे से बना लेना अपने असाइनमेंट्स और नो टेंशन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, बेस्ट ऑफ लक।